अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना, हर पापा का भी। बोलोगे तो नहीं तुम? कैसी बातें कर रहे हैं आप निशान अंकल? भुला तो उन्हें जाता है जिनकी गुंजाइश दिल में नहीं होती। आप प्लीज पापा का ख्याल रखिएगा। जादे बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। आप भी। मैं उसे नहीं रोक सका। अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद मैं उसे रोकने में कामयाब नहीं हो सका। मेरा यकीन करो सलमा, मैं बहुत मजबूर हो गया था। मैं तुम्हारा और शाहजेब का कसूरवार हूं। बस इब्राहिम, बस मुझे माफ करना। और कितने आंसू बहाओगे? अपने दिल का गुबार धोने की कोशिश कर रहा हूं निशान, लेकिन इतना बोझ है इस दिल पे कि आंसू भी इसे कम नहीं कर सकते। जैसे दिल किसी ने अपनी मुट्ठी में ले रखा। अपना ख्याल रखो इब्राहिम, दिल और दिमाग पर ज्यादा बोझ रखना अच्छी बात नहीं है, तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं। कैसा ख्याल और कैसी सेहत दीशान, कुछ भी तो बाकी नहीं बचा। तुम्हें आराम की जरूरत है। जितना दिल चाह रहा था मैंने ले लिया। अच्छा अभी सब, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलूंगा। नहीं नहीं, कैसे मुमकिन है ये, खाना बिल्कुल तैयार है। अरे आपसे कोई तकल्लुफ थोड़ी है, मैं वैसे भी आता जाता रहूंगा, काफी थकान हो गई, लंबा सफर किया। चले जैसे आपकी खुशी, आपने हम पे बड़ा एहसान किया है। कैसी बात करते हैं आप, मुझे शर्मिंदा क्यों कह रहे? नहीं नहीं जवाब साहब, जो सच है उसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अच्छा भाई शाहजेब, अपना ख्याल रखना, मुलाकात होती रहेगी, ठीक है? आराम भी करना। ओके अच्छा, ओके जी। अच्छा खुदा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे पापा आप यहाँ पर है, वो मुझे आपसे कुछ काम था। तारिक पहले से मिलो, शाहजेब तुम्हारा भाई। शाहजेब, काफी जिक्र सुन रखा है आपका मम्मी और पापा से। अरे बेटा
बढ़कर गले मिलो। कितने अरसे बाद तुम दोनों भाइयों की मुलाकात हुई है। काफी जिक्र सुन रखा है आपका, मगर कुछ याद नहीं है मुझे। इनका नाम शाहजेब, ये तुम्हारा बड़ा भाई है तारिक। हो तारिक, बड़ा भाई हूं, और यहां पर बड़े भाई से आप जनाब से बात की जाती है। ये कौन सी लैंग्वेज है? आप जनाब, मैं तो नहीं जानता। इज्जत से बात करने को आप जनाब कहते हैं। तो मैंने कौन सी तुम्हारी कोई बेइज्जती कर दी है? बैठो बेटा, बैठो, चाय वाय पियो, बैठो आप। इब्राहिम, अब यहां से निकलने की भी कोशिश करो। यहां मेरे खोए हुओं की यादें हैं ऋषान, इसे छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकता। इब्राहिम प्लीज, अपने साथ ऐसा मत करो, खुश रहो, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं इब्राहिम, खुशियां तो अपनों से मिलती हैं, अपनों से बांटी जाती हैं, और मेरा कौन है? कुछ भी तो नहीं रहा, कुछ भी तो नहीं बचा। आप इस तरह करें, कुछ दिन के लिए हमारे साथ चलें। अच्छा एक मिनट बैठे तो सही, इधर आए। हाँ, ये बहुत अच्छा ख्याल है, लेकिन हैरत ये है कि ये बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई। इसलिए क्योंकि आप इब्राहिम अंकल की इतनी परेशानी लेते हैं कि आपका दिमाग माउफ हो चुका है। बहुत गहरी नजर रखती हो अलसा तुम। बच्चों पर गहरी नजर रखनी पड़ती है। बच्चों पे? या कौन बच्चे? आप और इब्राहिम अंकल, और कौन? इब्राहिम, सुन रहा हूँ, ये मुझे और तुम्हें बच्चों से तशबीह दे रही भाई। ठीक ही तो कह रही है, इस उम्र में बच्चे और बूढ़े एक जैसे हो जाते हैं। अब हम इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं। तो बस अब तय हो गया कि आप हमारे साथ चल रहे हैं, ठीक है? नहीं अलसा, मैं यही ठीक हूं, ये जगह छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकता। रहने दीजिए, मैं खुद भी खा सकता हूँ, आप प्लीज जाके आराम कीजिए। शाहजेब बेटा, मैं तुम्हारे लिए पल पल तड़पती रही हूँ, मेरी आंखें पथरा गई थी तुम्हारे इंतजार में, ना जाने कैसे वो दिन गुजरे हैं मेरे। आप भूल नहीं सकती थी मुझको? शाहजेब, मैं माँ हूँ, और कोई भी माँ अपनी औलाद को कैसे भूल सकती है। कहीं आप लोगों को मेरी जरूरत तो नहीं है? जरूरत क्या मतलब है बेटा, मैं समझी नहीं। इसलिए कि अब आप और आविद साहब दोनों बूढ़े हो चुके हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? जो मैं महसूस कर रहा हूँ मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ आपसे। बेटा, माँ बाप को औलाद की मोहब्बत और खुलूस की जरूरत होती है, सहारों की और लालच की नहीं। बातें बहुत अच्छी कर लेती हैं आप। बेटा जी, माँ बाप को औलाद की खुशी से ही सुकून मिलता है, उनकी परेशानी माँ बाप के लिए अजियत का बायस बनती है,
और मैं और तुम्हारे अब्बू तुम्हें और तारिक को एक साथ देखना चाहते हैं। अब तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई ना शाहजे बेटा, तुम्हें हम सबसे मिलकर खुशी नहीं हुई? अगर आप सच पूछें तो वाकई मुझे आप लोगों से मिलकर कोई खुशी नहीं हुई। मैं बहुत अजनबियत महसूस कर रहा हूँ इस माहौल में। वैसे कमाल है तारिक, इतने अरसे के बाद तुम अपने सगे भाई से मिले और तुम कहते हो कि कोई खुशी नहीं हुई उससे मिलकर। वो भी कौन सा खुश है यार। फिर भी यार तारिक, खूनी रिश्ता है तुम्हारा उससे, और खून खून तो जोश मारता ही। अपना फलसफा अपने पास ही रखो समझे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं तो समझा था कि आज तुम शाहजेब को अपने साथ लेकर आओगे। क्यों, मुझे अपने साथ उसको रखने की क्या जरूरत है? कैसी बातें करते हो तारिक? यार अम्मी और डैडी पीछे जा रहे हैं उसके सामने, खूब खातिर मदारात हो रही है उसकी। इसमें इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मम्मी और डैडी इससे भी ज्यादा करें ना तो भी कम है। अरसे बाद अपने बेटे से मिल रहे हैं जिसकी जिसकी सिर्फ यादें बाकी रहेंगी। तारिक लो कॉफी पियो। कहाँ खोए हुए थे? नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि कितना मजा आ रहा है। बेटा अगर कुछ कहना है तो खुल के कह दो। मेरी भतीजी है, खालिस्तन मशरकी है, अपने दिल की बात कभी हमारे सामने जबान पर नहीं लाएगी। अरे भाई यहाँ दिल की कौन सी बात आ गई? जो भी बात तुम्हें बताऊं फौरन भूल जाते हो, तो कहां ध्यान रहता तुम्हारा? ध्यान तो मेरा बस एक ही तरफ रहता है। और भी बहुत सी चीजें हैं दुनिया में सोचने के लिए। कैसी बातें करते हो दिशान? अकल से काम लो। तुम चाहते हो कि शाहजेब के करीब तुम आ जाओ? चाहता तो मैं हूं, लेकिन सिर्फ चाहने से क्या होता है? अलसा ही एक जरिया है जिसके जरिए तुम शाहजेब के और शाहजेब तुम्हारे करीब आ सकता है। यार तुम इस बेचारी की कुर्बानी क्यों दे रहे हो? ओहो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अलसा शाहजेब को पसंद करती है। हाँ हाँ, मुझे याद, एक बार बात तो हुई थी। तुम और अलसा शाहजेब में इतने खोए हुए होते हो कि तुम्हें मुझे बार बार जिंदगी में वापस लाना पड़ता है। अच्छा चलो, अब बारिश बहुत तेज हो रही। शहनाज, तंबल से काम लो, इस तरह जी हलकान करने का फायदा क्या? वो कहता कि वो यहाँ पे अजनबीयत महसूस कर रहा है। ये सुनने के बाद मैं रोऊं ना तो क्या करूं? हाबित, मैं आज तक अपनी गोद में उसकी गर्मी महसूस कर रही हूँ और वो कहता कि मैं तुम क्या समझती हो कि ये जो सब कुछ हो रहा है मेरे लिए काबिल कबूल है? मुतमईन हूं मैं उससे, बहुत घुटन महसूस होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उधर होने वाली अजियत को तुम छुपा ना सकी और मैं बर्दाश्त करता रहा आज तक। हमें वो हमारा बेटा है, हमारा खून है, फिर वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है? शहनाज जरा सोचो, जब से उसने होश संभाला है उसने इब्राहिम और उसकी मिसेस को अपने माँ बाप के रूप में देखा है। उन्होंने उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा किया होगा, लेकिन हम
हम उसके लिए नए चेहरे नए लोग हैं। कुछ वक्त तो लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। काश कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, पलक झपकते ही। अल्लाह से दुआ करो, वही सब ठीक करने वाला है।